नमस्कार दोस्तों, होल फार्मिंग आइडिया यूट्यूब चैनल पर मैं चिंतन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हमारे इस चैनल की मदद से आपको तरह तरह के पेड़, फल के पेड़, पौधे, फूल के पौधे, सब्जियां वगैरह उगाना सिखाते हैं। आज मैं आपको कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया अपने गार्डन में ऑर्गेनिकली कैसे उगाते वो बताने जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम कोरिएंडर के सीड बाज़ार में से ले आए और इन सीड्स को हमें, यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ, उस तरह ज़मीन पर बिखेर देने हैं। इस तरह ज़मीन पर बिखेरने के बाद हमें इन सीड्स के ऊपर एक पटिया या कोई लकड़ी की पट्टी की मदद से ऐसे दबाव करना है जिससे यह बीज के दो टुकड़े हो जाए। इससे क्या होगा कि एक धनिए के बीज की मदद से हम दो पौधे उगा सके, यानी हमारा जो धनिया है जितना हम लाए हैं, जितना उग सकता है उससे दोगुना उगेगा और इससे सीडलिंग में भी तकलीफ नहीं होगी और बहुत आसानी से इसका पौधा उग जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी सीड्स दो टुकड़ों में बट गए हैं, यहाँ देख सकते। अब इन सीड्स को गार्डन में हमने जहाँ मिट्टी को तैयार करके रखा है वहाँ हमें इन बीजों को इस तरह बिछा देना है, फैला देना है, जिस तरह सीड एक दूसरे से अलग अलग रहे। यहाँ मैंने ये मिट्टी पहले से ही ऑर्गेनिक खाद डाल के तैयार की हुई है। इसके अंदर मैंने गाय और भैंस के गोबर से बनी हुई ऑर्गेनिक खाद को मिलाया था। या आप यहाँ देख सकते हैं सभी सीड्स के टुकड़े हैं, वो अलग थलग एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर गिर रहे हैं। बस तो हमें इस तरह इन सीड्स को छिड़कना है, हमें इसके ऊपर कोई दबाव नहीं डालना है और दूसरा कुछ नहीं करना, बस इन सीड्स को हमें ज़मीनी मिट्टी के ऊपर सिर्फ छिड़क देना है। इससे क्या होगा कि जो सीड्स है वो मिट्टी के साथ रहेंगे और मिट्टी के अंदर से पोषक तत्व खींच लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी सीड्स के बीच में पौधे के लिए जो पोषक तत्व मिल पाए उस तरह एक दूसरे के दूर है। अब हमें इन बीजों के ऊपर हल्के से कोई फव्वारे या पाइप की मदद से, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, उस तरह पानी का छिड़काव करना, जिससे क्या होगा कि ये जो बीज है वो पानी के साथ धुलकर एक जगह पे इकट्ठे ना हो जाए, पर मिट्टी जो है उसके साथ यह बीज पानी के दबाव से चिपक जाए और थोड़ी बहुत मिट्टी उसके ऊपर लग जाए। इससे क्या होगा कि ये जो मिट्टी के अंदर के पोषक तत्व है इन बीजों के साथ वो मिलकर उसको स्प्राउट करेंगे, उसको उगाना शुरू कर देंगे। तो इन बीजों का अंकुरण इस तरह स्टार्ट होगा। तो हमें बीज को सिर्फ ऐसे पानी छिड़कना है और जितनी जगह पे मैंने यह बीज डाले हैं हमें इन सभी जगह को इस तरह पानी देकर भिगो देना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी सीड्स के ऊपर पानी अच्छी तरह डाल रहा हूँ और उनको मैं भिगो रहा हूँ और आसपास की मिट्टी को भी भिगो रहा हूँ, जिससे आसपास की मिट्टी दूसरे दिन पानी देते समय भीग के बह न जाए और बीज को भी बहने न दे। अब मैंने यह पूरी जगह पे पानी का छिड़काव कर दिया है। आप देख सकते हैं कि सभी जगह पे मैंने पूरी तरह भिगो दिया है। अब यह सीड्स मिट्टी के अंदर भेज और पोषक तत्व खींचने के लिए तैयार हैं। आप यहाँ क्लोजअप में देख सकते हैं कि सभी सीड मिट्टी के साथ एकदम से जुड़ गए हैं, जो मिट्टी के अंदर थोड़े बहुत चले गए हैं और उससे क्या होगा कि उनके दोनों में जुड़ाव हो जाएगा।
अब एक वीक के बाद आप देख सकते हैं कि सभी सीड्स यहाँ उग चुके हैं, तो बस अब हमें इन्हें पानी देते रहना है। और जब ये 20 से 25 दिन में बड़े पौधे हो जाए, बड़े कोरिएंडर के पौधे बढ़ जाए, तब हमें इनके ऊपर से इनके पत्ते तोड़ने हैं अपने रसोई के उपयोग के लिए। यहाँ हमने जितना कोरिएंडर डाला है, ये हमारे 4 महीने की कोरिएंडर को जो उपयोग होगा हमारी रसोई में, वो पूरी करने के लिए सक्षम है। हमारा यह वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद। हमारा यह चैनल सब्सक्राइब करना याद रखें, क्योंकि आपको इसकी मदद से हमारे चैनल की अपडेट्स मिलती रहेंगी।